So, दोस्तों MacBook Pro 2019 का अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही लिया होगा इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम ये देखते हैं कि इस लैपटॉप में ऐसे कौन सी एक्सेसरीज हैं जो आपको परचेज करनी चाहिए जो इस लैपटॉप को और भी चार चांद लगा देंगे। So, दोस्तों ये सारी एक्सेसरीज मैंने ले ली है, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके ये एक्सेसरीज कैसे हमारे लैपटॉप पे लगने वाली है और कितनी जरूरी है ये सारी एक्सेसरीज। तो दोस्तों एंड तक देखना है वीडियो को, क्योंकि ये बहुत सारी एक्सेसरीज है जो मैं कवर करना हूं आपके लिए, और एक एक एक्सेसरी इस लैपटॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक्सेसरी आप मिस नहीं कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला एक्सेसरीज जो इसमें हमको लगाना चाहिए वो है एक ट्रैक पैड प्रोटेक्टर। ये आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे पुराने लैपटॉप में मैंने नहीं लगाया था और मेरे ट्रैक पैड पे बहुत सारे स्क्रैचेस हो गए थे। तो आइए इसको खोलते हैं और इसको इंस्टॉल कर देते हैं हमारे लैपटॉप पे। ओके, मैंने ऑलरेडी खोल के रखा था पहले। ये इस तरीके का आएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने लैपटॉप के ट्रैक पैड को क्लीन कर देना है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन करने से पहले इस तरफ से निकालना है और एप्लीकेशन करने से के बाद यहाँ से निकालना है। तो हम इस तरीके इस तरफ से पहले निकाल लेते हैं। बहुत ही हार्ड मटेरियल है ये, सो ऑब्वियसली इस पर कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा। ये मैंने अमेजोन इंडिया से खरीदा है और उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये लग गया इस पे अच्छी तरीके से। अब हम इसके ऊपर का निकाल लेते हैं फिल्म। आप देख सकते हैं कि इसका ट्रैक पैड और इसका माउस परफेक्टली काम कर रहा है, कोई भी लैग नहीं है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है ये पर्टिकुलर कवर लगाने के बाद। हम बढ़ते हैं अब अगले प्रोडक्ट की तरफ। तो भैया ये एक और प्रोडक्ट है, ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया है, अब देखते हैं। तो भैया ये है हमारा कीबोर्ड का गार्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एप्पल तो बोलता है कि भैया हमारे कीबोर्ड एकदम परफेक्ट हो गए हैं 2019 में, इसमें आपको इशू नहीं आएगा कोई भी। अगर मड अंदर मिट्टी विट्टी कुछ डस्ट अंदर जाता है तो इशू नहीं आएगा, लेकिन भैया मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो इसे इसको हम कीबोर्ड को हम कवर करके प्रोटेक्ट कर ही लेंगे हम। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड का प्रोटेक्टर। और तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है अंदर, और कुछ है नहीं अंदर। तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको उसके ऊपर रख देना है। और इसका जो मटेरियल है वो मटेरियल ऐसा है कि एकदम स्टिक हो जाएगा आपके कीबोर्ड के साथ। तो इसको पर्टिकुलर की के ऊपर रख देना है और ये बिल्कुल भी ये कीबोर्ड इधर उधर नहीं हो रहा है। और एट द सेम टाइम आप देख सकते हो इसकी जो बैक लाइट्स हैं वो भी दिख रही है। तो रात को भी अगर आपको ये कवर भी लगा हुआ कीबोर्ड का तो भी आपको लाइट्स में आपकी की जरूर दिखेगी। कैप की भी आप देख सकते हो, अगर मैं ऑन करता हूँ तो लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। ये ऑन है, ये ऑफ है, ऑन ऑफ की लाइट भी यहाँ पे दिख जाती है। तो ये आपके लैपटॉप को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करेगा। बढ़ते हैं हम अगले एक्सेसरी की तरफ। तो अगला एक्सेसरी है ये अमेजोन से। भैया मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या रखा है, खोल के देख लेते हैं। आइए, क्या है भैया इसमें, क्या है क्या है? सिर्फ कागज तो नहीं है ना भाई, कुछ निकलना चाहिए अंदर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है हमारे लैपटॉप के लिए, एंड दैट इज यू ग्रीन का USB-C कनेक्टर। इसमें आपको मिल जाएगा HDMI, USB-3 पोर्ट, USB-C पोर्ट, RJ45 और SD और TF का कनेक्शन। इसमें आप जो HDMI है वो 4K एनेबल रहेगा, और बाकी स्पेक्स आप यहाँ पे पर देख सकते हो। अब हम चलते हैं इसको अनबॉक्स करने पे। भाई यू ग्रीन जो है वो बहुत बढ़िया कनेक्टर्स बनाते हैं। अब ऑब्वियसली उन लोग ने मुझे स्पॉन्सर तो किया नहीं है, लेकिन सिंस स्पॉन्सर नहीं है इसलिए मैंने सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ही खरीदा है अपने लिए। खुल जा भाई, कुछ इसमें लिटरेचर दिया है मल्टीफंक्शन एडेप्टर के, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। अंदर और भी कुछ है, फिर बोलता है थैंक यू। ओके, तो मेन आ गए हम हमारे कनेक्टर पे। कनेक्टर मैंने पर्पजली ये केबल वाला लिया है, सो दैट हम मैं इस केबल को लगा के इसको छुपा सकता हूँ पीछे कहीं पे मेरी सारी बाकी की वायर्स को। तो ये आपका USB-C पोर्ट है, इसके पे एक कवर लगाया हुआ है, मैं निकाल देता हूँ इसको। और ये पास आई जाएगा आपके लैपटॉप में। बाकी आप देख सकते हैं इस साइड पे आपको SD TF दोनों के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप माइक्रो SD कार्ड है, बड़ा वाला है, सब इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना इंटरनेट कनेक्शन भी डायरेक्ट वायर्ड वाला कर सकते हो। USB-C में मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट आप चार्जिंग कर सकते हो अपने लैपटॉप को इसके थ्रू। और साइड में HDMI आपकी TV में कनेक्ट करने के लिए, एंड साथ में USB-3 के तीन डिफरेंट पोर्ट्स। तो आइए इसको हम कनेक्ट करते हैं हमारे लैपटॉप में।
जैसे कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर आपको ये, अगर आप देख पा रहे हो, इसमें एक लाइट दिख रही है जो चालू हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि आपका ये पोर्ट कनेक्ट हो चुका है। इसमें मैं सारे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स बाद में कनेक्ट करके इसको इस तरीके से पीछे छुपा दूंगा, ताकि मुझे सिर्फ एक वायर ही दिखेगी आगे से। तो भैया बढ़ते हैं हम अगले अपने एक्सेसरी में, जो अगेन एक हमारे लैपटॉप के लिए प्रोटेक्शन है। ये भी मैंने अमेजोन से लिया, लेकिन मैंने दुबई के अमेजोन से खरीदा है। तो हम इसको ओपन करेंगे। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लैपटॉप के सेफ्टी के लिए। काफी सारी रैपिंग करके दी है इन लोगों ने। तो ये हो गया हमारे लैपटॉप की, लैपटॉप के कपड़े। तो ये ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया। मैंने सेम स्पेस ग्रे वर्जन ही लिया है, सो दैट मेरे लैपटॉप की बॉडी के साथ ये मैच हो जाए, तो पता नहीं चले कि इसके ऊपर कवर भी लगा है कि नहीं है। तो भैया हम थोड़ी देर इस लैपटॉप को बंद करेंगे और इस पर्टिकुलर कवर का इंस्टॉलेशन करेंगे। ये आपका ऊपर का इंस्टॉलेशन हो गया, अब हम इसका नीचे की बॉडी भी लगा देते हैं। तो भैया ये हो गया इसका पूरा बॉडी, ऊपर नीचे सब कुछ कवर हो गया है। इसमें आप देख सकते हो नीचे वेंटिलेशन भी दिया है इन लोगों ने, ताकि ये हीट अप ना हो इजीली। और साथ में ये जो व्हाइट डॉट्स आप देख रहे हो, ये बेसिकली आपका थोड़ा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, सो दैट आपके लैपटॉप को एक एयर का सर्कुलेशन मिले अच्छी तरीके से। सो दोस्तों, अगर MacBook Pro 2019 की सारी एक्सेसरीज की जो लिस्ट है वो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ भूलना मत ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।